ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? मामी, मैंने अपने जिंदगी के लिए एक सही रास्ता चुन लिया है। शिवानी, आइए मम्मी जी। अच्छा, वो आप आ गई। अब आप ही इसको समझाइए। मेरे को नहीं मालूम इसके दिमाग में क्या भूत चढ़ेला है। शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है वो माफ करने के लायक नहीं है। लेकिन सच मानो, मैंने अभिषेक का और मेरे परिवार का भला जरूर सोचा, लेकिन तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचा था। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरे जिद का ज्वालामुखी सबको इस तरह जला डालेगा। मम्मी जी, आप हो, मैं हूं या कोई और, हम सब है तो इंसान, सब अपने तरीके से सोचते हैं और उसी सोच के हिसाब से काम करते हैं। जाने अनजाने में कभी ना कभी गलतियां तो होती रहती है, इसलिए मुझे आपसे या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। शिवानी, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। तुमने इतने आसानी से मुझे माफ कर दिया। मम्मी जी, माफ करने वाला या सजा देने वाला तो ईश्वर है। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके लिए अब मेरे मन में कोई मैल नहीं है। शिवानी, मेरी एक बात मानोगी? मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी मम्मी जी। मुझ पर एक एहसान कर दो, राजीव के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दो। मैं तुम्हारा कन्यादान करके मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहती हूँ। मम्मी जी, आपका बोझ हल्का करने के लिए मुझे फिर से दुनियादारी के खेल में क्यों झोंक देना चाहती है, जिसने मेरे आत्मा तक को झुलसा दिया? नहीं मम्मी जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ शिवानी। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी संवारने का एक और मौका दिया है, उसे हाथ से जाने मत दो, मान जाओ शिवानी। हाय शिवानी, इनकी बात मान लो, काय को अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है रे। मम्मी जी, अगर आप मुझे खुशी देना चाहती है तो वादा कीजिए, मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप देने से इनकार नहीं करेंगी। मैं इनकार नहीं करूंगी। तो आप राहुल और सपना को वापस बुला लीजिए, राहुल की पसंद को अपना लीजिए, मुझे वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जो आप मुझे देना चाहती है। हाँ हाँ, मैं राहुल और सपना को अपना लूंगी, लेकिन तुम खुद के बारे में भी। बस मम्मी जी, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, किसी हाल में नहीं करूंगी, और इस बार मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता।